शुरू हुआ आस्था टीवी पर उस कथा का, तो लोग फोन करके पूछते थे महाराज रोहू गांव के लोग कथा सुनता है। दसों लोग हमसे पूछे होंगे कि महाराज उस गांव में भी कथा। अब हम विदेह भीतर ना जाएं कि क्या होना होगा, लेकिन आपको बताऊं 9 दिन की कथा का परिणाम। आज उस गांव में सवेरे सवेरे आप गुजरिए तो जहां जाइएगा आपको भगवान की कथा का भजन होता सुनाई पड़ेगा। वो प्रभाव पड़ा गांव पर। मेरे निवास के आगे 7वें 8वें दिन दोपहर में अचानक शोर होने लगा कथा में ही। मैं पूछा भाई इतना हल्ला क्यों होने लगा, कहीं झगड़ा हो गई का? तो पता चला कि मेरे निवास के पीछे 2 भाई थे, सालों से देखा देखी नहीं था, इतनी दुश्मनी के देख ले तो गोली मार दे। और दोनों भाई कथा पंडाल में अलग अगल अगल दूर दूर बैठ के कथा सुनते रहे। भरत चरित्र की जब कथा सुने ऐसा परिणाम हुआ हो कि निवास के आगे दोपहर में दोनों भाई गले मिलकर रो रहे थे और एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। ये प्रभाव। उसी प्रकार दुबई में कथा, हमसे कई लोग पूछे महाराज वहां कैसे होगी, हमको उदय भैया जाने कैसे होगी। अब परिणाम आज आपके सामने है। इस देश में भी कथा की रचना भैया आप लोगों ने कराई। आप जितने लोग हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कलिकाल में क्षमा करिएगा, जीव सब करता है लेकिन भगवत कथा के एक नाम पर नए है भगवान वाले। इस युग में इस कलिकाल में भगवत कथा की रचना बना देना ये सहज व्यवहार नहीं है, बड़ी कृपा रखना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने मैया को धन्यवाद कहा, उसके बाद बोले देवी आपकी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी, तुम जो कहे हो राम को हुआ। आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपको पता है भवानी ये बात कौन कहता है? कहा ही सुनही अस अधम नर ग्रसे मोह विसाज पाखंडी हरि पद विमुख जे जानहि झूठ जो पाखंडी है, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिसे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं, जो भगवान से विमुख है, जिसको मोह ने पकड़ लिया है और जिसकी मति को पिशाच ने पकड़ा है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आप इनमें से आती है क्या भवानी? आप इनमें से नहीं है ना? आपने कैसे कह दिया कि राम जी कौन है? जीवन में 4 लोगों की बात पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। शिव जी कहते हैं बातुल भूत विवस मतवारे ते नहीं बोल ही वचन विचारे, चौथे जिन कृत महा मोह मन पाना तिन घर कहा करिय रही काना। 4 लोग कौन है? पहला जो आदमी हर सब्जेक्ट में PhD किया हुआ है, बातुनी आदमी, कोई भी बात की बोली उस पर 5 मिनट बोले भले कुछ भी बड़बड़ाए गलती बोले, सब जानकारी जिसके पास है। ऐसा आदमी ऐसे जगह फंसता है ना, एक जगह पुलिस सिविल ड्रेस में घूम रही थी, मर्डर हुआ था, ऐसे ही बात दुनिया आदमी को था वहां पर खड़ा, बहुत बुरा होगा ना मर्डर हो गया, वो बोला हम नाम तनी के कहले हम वही जा रहा हूं खड़ा पकड़ के पुलिस लेके चली गई। ये क्या है बातुल? दूसरा भूत विवस, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले अंटसंट बोलता है। तीसरा मतवारे, मतवारे बुझाता बिल्कुल है बुझाता, ले के बाद जब टून हो जाओ। अच्छा एक बात, एक बात हम अब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए,
कि लेने के बाद जब आदमी सड़क पे चलता है तो देखिए कितना होश है उसको, नाली में भले गिर जाए बीच सड़क पे नहीं गिरता। क्यों आप अब सोचिएगा, इतना उसको होश है कि इंजा की गिरम तो मुंह जाए, मार डालेगी गाड़ी, वो गिरेगा तो किनारे गिरेगा। बातुल जिसको भूत पकड़ा हो और जो लेके टुन हो गया है, तीन, और चौथा वो व्यक्ति जो महामोह की मदिरा पी कर बैठा। और याद रखिएगा, क्षमा करिएगा, मदिरा का नशा प्रातः काल उतर सकता है लेकिन मोह रूपी मदिरा का नशा उतरने वाला है ये तो प्राण ही लेके जाता है। महामोह क्या है जानते हैं? सब हम ही तो कर रहे हैं, ये मोह है। कई लोग मिलते हैं घर में, कहते हैं उड़ाल मजा बाबू उड़ाल, ना रहम तहिया पता चले, है आप ही दुनिया चला रहे क्या साहब? इस भ्रम से बाहर रहिए कि आप चला रहे और आप कर रहे हैं, ऊपर वाले ने आपको निमित्त बना लिया है इसलिए आप कर पा रहे हैं। अपने आप हाथ तो उठा ही नहीं पाए, कहा जी रहे साहब? ये जो महामोह की मदिरा पीकर चार लोग बैठे हैं, शंकर जी कहते हैं इन चारों के द्वारा कही हुई बात पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन पार्वती आपकी बात पर मैं ध्यान दूंगा, आप इन चारों में नहीं आती। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आप सगुण को और निर्गुण को दो मानती हैं, देवी सगुण निर्गुण दो नहीं, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध भेदा, अलखयज जो भगत एक बड़ी अच्छी बात आप देखिए, शंकर जी कहते हैं सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। कौन बोल रहा है ये बात? ना, यही तो बात है। शंकर जी कहते हैं पार्वती मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध भेद। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में कभी ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति कहता है हम उनसे सुने थे ये बात। दूसरी बात, अपने से श्रेष्ठ का आदर हुआ ये। तीसरी बात, यदि कोई केस होगा तो मेरे पर नहीं होगा, जे कहले बाबू जानो। व्यवहारिक बात समझिए, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की बात को भी कहता है हम बोल रहे लिख लो, हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हमने अपने से श्रेष्ठ को कभी जीवन में सुना ही नहीं है। इसको समझिएगा, जब हम नहीं बोलते हैं इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं वो श्रेष्ठ की कृपा प्रसाद ही बोल रहे हैं, हमने जीवन में श्रेष्ठ की सेवा की है। शंकर जी कहते हैं मुनि कहते हैं, पुराण भगवान कहते हैं, बुद्ध यानी बुद्धिमान कहते हैं, वेद नारायण कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण शंकर जी कहते हैं पानी जल हिम उपल बिलक नहीं जैसे,
पानी का अपना कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन वही पानी जब बर्फ का गोला बन जाता है तो उसको आकार मिल जाता है, निराकार से साकार हो जाता है। तत्व वही है, तत्व नहीं बदला। उसी प्रकार भगवान निराकार है, भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन समझिएगा, उन्हीं भगवान को जब भक्त देखने की कल्पना करता है, हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका एक अंतरा सुनाता हूं आपको। भक्त निराकार भगवान है और उस भगवान को देखने की मन में कल्पना करता है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्त ने कहा, प्रभु अब की बार आप बंसी लेके आइए, निराकार भगवान कन्हैया बन गए। भक्त ने कहा, प्रभु अब की बार धनुष बाण लेके आइए, वही भगवान राघव जी बन गए। भक्त ने कहा, छोटा बनिए, बलि के लिए भगवान बामन बन गए। एक निशाचर ने कहा, मैं न मनुष्य के हाथों मरूं, न पशु के हाथों मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी बोले, और सोच लो, कुछ छूटल मत हो। आधे घंटा तक सोचता रहा, ऐसे न मरूं, वैसे न मरूं, इधर न मरूं, वहां न मरूं, हथियार से न मरूं, ऐसे न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, हो गई, हाँ हो गई। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। उसके लिए भगवान नरसिंह बनकर अवतार लेंगे। नरसिंह बनने का एक और कारण था, गौ मैया अपने बछड़े को जीभ से चाट के दुलार करती है। आप देखे होंगे, मनुष्य नहीं करता है, पशु चौपाया जीव अपनी संतान को जिह्वा से चाट चाट के दुलार करता है। भगवान सोचने लगे, ये माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, जिह्वा से चाट के दुलार करती है, हमने तो आज तक अपने किसी भक्त को जिह्वा से चाट के दुलार नहीं किया। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान नरसिंह बने हो और प्रहलाद जी को गोद में लेके भगवान चाट चाट के दुलार करने लगे। शरीर मनुष्य का था, मुख सिंह का था, ये भगवान की करुणा। जिस रूप में जो चाह दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तत्पर किसी